गुरु सेवा ही सच्ची साधना। गुरु गीता शिष्यों के लिए आध्यात्मिक कल्पतरु है। जो शिष्य इसके मंत्रों के मर्म को जान लेते हैं, उन्हें जीवन की सभी आध्यात्मिक सफलताएं मिलती हैं। इस सत्य को वे सभी अपनी अनुभूति बना सकते हैं जिनके अंतस में शिष्यत्व की सजल संवेदना प्रवाहित है। शिष्यत्व उर्वर कृषि भूमि है और आध्यात्मिकता बीज, जिसे कृपालु सद्गुरु न केवल अपने शिष्यों के अंतःकरण में बोते हैं बल्कि इसके अंकुरण के लिए उपयोगी खाद पानी भी जुटाते हैं। सद्गुरु तो सदा होते ही हैं, भाव संवेदनाओं की साकार मूर्ति। उन्हें तो हमेशा कृपा करना आता है, पर इसके लिए सत्पात्र भी तो हो। सुशिष्य ही सत्पात्र होते हैं। उनकी अंतर्भूमि ही आध्यात्मिक बीजों के लिए उर्वर व उपयोगी होती है। यह उपयोगिता व उत्कृष्टता तब और सघन हो जाती है जब उन्हें गुरु गीता की सघन आध्यात्मिक छांव प्राप्त हो। पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ ने शिष्यों को चेताया है कि वे कभी भी किसी भी अवस्था में सद्गुरु की अवहेलना ना करें। परिस्थितियां कुछ भी हों, पर वे अपने सद्गुरु के प्रति न केवल शिष्ट शालीन व विनम्र रहे बल्कि भक्तिपूर्ण भी हों। गुरुदेव के हर कार्य का विशिष्ट अर्थ होता है, फिर यह कार्य ऊपरी तौर पर देखने से कितना ही निरर्थक क्यों ना लग रहा हो। गुरु की अवहेलना करने वाला बुद्धिमान होने पर भी ब्रह्म राक्षस की तरह अभिशप्त हो जाता है। विश्व की सभी आध्यात्मिक शक्तियों के रुष्ट होने पर सद्गुरु त्राण कर लेते हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर कोई त्राण दाता नहीं मिलता। भगवान महेश्वर इस कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, मंत्र राजमिदं देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम् स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम्। श्रुति स्मृति अविज्ञाय केवलम गुरु सेवकाः ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत परम् सर्व ब्रह्म निराभासं दीपो दीपांतरम् यथा गुरोः कृपा प्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेन अनेन गुरु मार्गेन स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु ये दो अक्षर अपने में महामंत्र है। यह महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियों एवं वेद वाक्यों का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परम पद है। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन है, वे भले ही श्रुतियों व स्मृतियों को न जानते हों, पर वे हैं सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख हैं, वे भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हों, पर केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु कृपा की छांव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग से भगवान शूल पाणि के इन बोध वचनों में ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो शिष्यों के आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त कर देता है। शिष्य के लिए गुरु सेवा साधना है। गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहें, जैसा भी काम सौंपें, वैसा ही करना। कई बार गुरुदेव द्वारा कहे गए कार्य को बड़ी सांसारिक लौकिक एवं सामाजिक रीति से आंकते हैं और ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो संसार की सभी बातों से परे हैं। फिर भला
वे सांसारिक कैसे हो सकते हैं? वे यदि शिष्य को कांटों भरी डगर से गुजारते हैं तो केवल इसलिए कि इससे उसका कल्याण होगा। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक कष्ट में भविष्य के अनेकों सुखद एहसास समाये होते हैं, पर इसे केवल वही समझ पाता है जिसका हृदय भक्ति की भावनाओं से भरा है। ऐसी भावनाएं जिसकी चेतना में अंकुरित है वह जानता है गुरुदेव तो केवल अपनी ज्ञान ज्योति से शिष्य में ब्रह्म ज्ञान की परम ज्योति जला रहे हैं। इस संबंध में बड़ी प्यारी अनुभूति कथा है। यह कथा एक ऐसे शिष्य की है जिसके मन में तो उज्जवल विचार थे पर जिसके संस्कार बड़े दूषित थे, जो अनचाहे व अनजाने अनेकों वासनाओं से घिर जाता है। अनेकों प्रयत्नों के बावजूद जिसकी काम वासना शांत ना होती थी, बड़ी दुखद स्थिति थी उसकी। इस गहरी पीड़ा में उसका कोई साझीदार न था। उसकी काम वासना की परिणति सदा अवसाद में होती है, पर करे भी तो क्या, कोई रास्ता भी तो न था। काम वासना की भीषणता में ध्यान जप एवं उपवास के सारे प्रयोग निरर्थक चले जाते। अपने आंतरिक द्वंद्व संघर्ष की इसी घड़ी में गुरु ने अपने शिष्य को अपना लिया और शिष्य ने अपने उद्धारक सद्गुरु को पहचान लिया। विकल वासनाओं से घिरे शिष्य की यही एक चाहत थी कि उसकी वासनाएं गिरे, उसका चित निर्मल हो। गुरुदेव ने उसे आश्वासन भी दिया और कहा कि वह अपने को आश्रम की साफ सफाई में लगा दें। ऊपर से साधारण दिखने वाले इस काम में शिष्य ने अपने को झोंक दिया। रात दिन उसका एक ही काम था, जो कहा गया उसे करना। अपमान तिरस्कारों की झड़ी, शारीरिक व मानसिक परेशानियां उसे डिगा न सकी। गुरुदेव को दिया गया वचन ही उसका जीवन था। ऐसा करते हुए उसकी किशोरावस्था कब प्रौढ़ावस्था में बदल गई पता नहीं चला। हालांकि उसे अपने जीवन के इस तरह बीत जाने का कोई दुख ना था, परंतु एक पीड़ा अवश्य उसके मन में पलती थी। एक वेदना से अवश्य उसका मन विकल होता था और वह वेदना थी वासनाओं के आकर्षण की। अभी तक उसका मन पूर्ण निर्मल ना हो पाया था। अपनी इस वेदना को अपने अकेलेपन में जीता हुआ वह गुरु आज्ञा का पालन किए जा रहा था, पर कहीं गहरे छुपे दुख में वह लिपटा हुआ था। बार बार उसका आर्त स्वर बाबा सर्वानंद को पुकार लेता, जो अब अपनी स्थूल देह में नहीं थे। अरे यह क्या हुआ बाबा, मेरा अंतस इतना कलुषित क्यों है? पुकार के स्वर निरंतर गहरे घने होते गए, पीड़ा बढ़ती गई। वह सघन पीड़ा ही उसकी प्रार्थना बन गई। अपने शिष्य की इस असह्य वेदना को भला कृपालु सद्गुरु कब तक सहन करते? एक दिन वह उसके ध्यान में प्रकट हो गए। बेचारा शिष्य बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसके अंतस से यही भाव फूटे, गुरुदेव आपने जैसा कहा मैंने वही किया, फिर भी मेरी यह दुर्दशा क्यों है? उसकी भाव चेतना में उपस्थित बाबा सर्वानंद की सूक्ष्म चेतना स्पंदित हुई। वस हम तुम्हारी पीड़ाओं से परिचित हैं, यह सच है कि तुम अभी पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाए हो, परंतु अपने परिष्कार की राह पर गतिशील हो। तुम्हारे इस वर्तमान जीवन और शरीर के कुछ सीमाएं हैं। तुम्हें यह जीवन एवं शरीर तुम्हारे विगत दुष्कर्मों के प्रायश्चित के लिए मिला है और वही हो रहा है। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे चित्त को निर्मल बना रहा हूं। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी जागृत होकर परिपक्व होने की दशा में है। इसके संपूर्ण विकास के साथ ही तुम्हारी स्थूल देह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस देह से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं
संभव नहीं है। ध्यान रहे, जो देह प्रायश्चित के लिए मिली है वह अध्यात्म की उच्चतम कक्षा के लिए योग्य नहीं होती। उच्चतम साधनाओं का क्रम तुम अपनी सूक्ष्म चेतना द्वारा पूरा करोगे, अगले जीवन में इसमें और भी विकास होगा। बाबा सर्वानंद की इन बातों ने शिष्य को यह अनुभव करा दिया कि कृपाल गुरुदेव सदा अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। बस शिष्य उन्हें अपने भावों में अनुभव करता रहे। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।